दोस्तों क्या आपको पता है इंस्टाग्राम पे रोजाना 9.5 करोड़ फोटोज अपलोड होते हैं और दोस्तों हर रोज 25,000 करोड़ ईमेल भेजे जाते हैं जिनमें से 20,000 करोड़ ईमेल स्पैम होते हैं और दोस्तों हैकर्स रोजाना 85,000 वेबसाइट हैक करते हैं और दोस्तों हर मिनट में 500 घंटे के वीडियोज यूट्यूब पे अपलोड होते हैं और दोस्तों इंटरनेट का 51% ट्रैफिक फेक यानी के नकली होता है। दोस्तों ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट पर हर रोज ऐसी रहस्यमय घटना होती रहती हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 5 रहस्यमय वीडियोस दिखाऊंगा जो इंटरनेट पर अपलोड हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। द टीवी मैन। दोस्तों सरप्राइजेस तो सबको पसंद होते हैं, आपको भी होंगे। कितना सही लगता है ना जब कोई आपके लिए सरप्राइज प्लान करे ताकि आपको अच्छा महसूस हो। लेकिन दोस्तों सभी सरप्राइजेस अच्छा महसूस करवाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ इस वीडियो में। 2018 में वर्जीनिया अमेरिका में रहने वाला एक व्यक्ति सुबह उठता है और जब बाहर जाके देखता है तो उसके दरवाजे पर पड़ी मिलती है एक टीवी। जी हाँ दोस्तों 60-70 के दशक में पाई जाने वाली पोर्टेबल टीवी। दोस्तों कोई व्यक्ति चुपचाप आके ये टीवी उस व्यक्ति के दरवाजे पर रखकर चला गया, पर ऐसा उसने क्यों किया इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। दोस्तों जब उस व्यक्ति ने ये जानने की कोशिश की कि क्या उसके पड़ोसियों के घर के बाहर भी ये टीवी रखी गई है, तो दोस्तों लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। दोस्तों जिसके बाद सबने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने उस एरिया के ज्यादा से ज्यादा घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। लेकिन दोस्तों पुलिस को उस इंसान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली क्योंकि दोस्तों वो इंसान अपने चेहरे पर एक टीवी लगा के आता और वहाँ पे दूसरा टीवी रख के चला जाता। लेकिन दोस्तों आज तक ये पता नहीं चला कि वो इंसान ऐसा क्यों करता था और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या था। माय सिस्टर। दोस्तों 2011 में एक गेमिंग चैनल पर बहुत ही अजीब सा वीडियो अपलोड हुआ। दोस्तों ये वीडियो क्यों अपलोड किया गया था और इसका मतलब क्या था ये आज तक किसी को पता नहीं चला। दोस्तों वीडियो शुरू होते ही एक डरावनी सी फीलिंग आने लगती है क्योंकि एक औरत बहुत ही अजीब तरीके से कैमरे की ओर देख रही होती है और दोस्तों वो बेहद अजीब तरीके से कैमरे की ओर हंसती है और दोस्तों कैमरे के पास आते आते वो महिला अपने चेहरे से मास्क उतारती है। तभी हमें ये पता चलता है कि ये उसका असली चेहरा नहीं था और दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो के पीछे का मकसद तो कोई नहीं जानता, लेकिन देखा जाए तो इस महिला ने लोगों का अटेंशन पाने के लिए शायद ऐसा किया हो। टीवी सिग्नल हाईजैक। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है टीवी सिग्नल को हाईजैक करना, और ये काम इतना मुश्किल है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों ऐसा करने के लिए बहुत सारी बिजली और दिमाग की जरूरत होती है। दोस्तों 22 नवंबर 1987 में WGNTV और WTTW शिकागो स्थित टीवी चैनल्स हैकर्स ने हैक कर लिए थे। दोस्तों 9:15 पर हैकर्स ने अपना पहला टीवी चैनल जिसका नाम था WGNTV उसको हैक कर लिया और लाइव टीवी पर चल रहे प्रोग्राम के बदले हैकर्स ने अपना एक वीडियो चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो इंसान दिख रहा था उसने मैक्स हेडोमिक्स काल्पनिक कैरेक्टर का मास्क पहना हुआ था। इस प्रसारण के दौरान वीडियो में से कुछ खास आवाजें नहीं आ रही थी और दोस्तों 28 सेकंड में ही टीवी इंजीनियर्स ने अपना सिग्नल वापस पा लिया था, इसलिए हैकर्स को दूसरा चैनल हैक करना पड़ा जिसका नाम था WTTW चैनल। उसी रात हैकर्स ने ये चैनल भी हैक कर लिया और लगभग 1.5 मिनट तक अपना वीडियो चलाया। दोस्तों इस वीडियो के दौरान हैकर काफी डरावने अंदाज में लग रहा था तथा उसने पेप्सी का फ्री में एडवर्टाइजिंग भी किया। दोस्तों आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये गुमनाम शख्स कौन था। सीसीटीवी कॉट ए स्ट्रेंज क्रिएचर। दोस्तों जितना हम और आप सोचते हैं उससे कई ज्यादा रहस्यों से दुनिया भरी पड़ी है। दोस्तों कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी इस दुनिया में हो सकते हैं जिन्हें हम जानते भी ना हो। 2 जून 2019 के दिन विवियन गो में जिस महिला ने अपना सीसीटीवी चेक किया तो उस महिला को अपने घर के बाहर एक ऐसा क्रिएचर देखने को मिला जो काफी अजीब था। दोस्तों ये कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि रात में एक छोटा सा क्रिएचर अजीब सी हरकतें करते हुए चला जा रहा है। पहले तो उस महिला को लगा कि ये उसका 9 साल का बेटा बॉबी होगा, लेकिन दोस्तों जब बॉबी ने ये मानने से इनकार कर दिया तो उस महिला ने बॉबी के सर पर एक उल्टी चड्डी पहनाकर उसे ऐसे ही हरकत करते हुए चलने को कहा। लेकिन उस क्रिएचर और बॉबी की चाल बिल्कुल भी मैच नहीं हुई,
इससे ये पता चल गया कि ये बॉबी तो नहीं था। एलिसा लैम, सेसिल होटल, लॉस एंजल्स, अमेरिका। दोस्तों ये वही जगह थी जहां एक अजीब सी घटना घटित हुई। दोस्तों होटल में ठहरे लोगों को वहां के पानी के अंदर अजीब टेस्ट और अलग रंग और उसके अंदर से गंध आ रही थी, इसलिए उन्होंने ये बात मैनेजमेंट को बताई। मामला सीरियस होने पर मैनेजमेंट ने पुलिस को बुला लिया और दोस्तों उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। दरअसल दोस्तों पुलिस को वहां के वाटर टैंक से एक लड़की की लाश मिली। उस लड़की का नाम था एलिसा लैम। दोस्तों जब पुलिस ने उस होटल का सीसीटीवी फुटेज देखा तो मामला सुलझने की जगह और बिगड़ गया, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एलिसा किसी इंसान से छुपने की कोशिश कर रही है। शायद कोई एलिसा का पीछा कर रहा हो जो उसे मारना चाहता हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो यही नहीं रुकता। दोस्तों एलिसा परेशान होकर बार बार लिफ्ट के अंदर बाहर जाती है और उसके बाद वीडियो में पता चलता है कि एलिसा हाथों से अजीब हरकतें कर रही है, जैसे कि वो किसी गायब इंसान से बात कर रही हो, जिससे कुछ भी पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही थी। लेकिन इस वीडियो के बाद एलिसा की हुई मौत कई सारे सवाल छोड़ जाती है। सो हे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और नीचे बताओ यार वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।